बाद बुकिंग करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो बिरयानी बनाने से पहले मैं करके आई हूँ कुछ शॉपिंग, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने सारी तैयारी कर ली है, थोड़ा बहुत जो मैरिनेशन वगैरह करना होता है वो ऑलरेडी मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे लेनी थी, वो था ये एप्रन। और मुझे ये एप्रन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वैसे तो मुझे एक ही एप्रन लेना था जो सनी भी पहन सके और मैं भी, बट मुझे ये इतना क्यूट लगा, इसका प्रिंट इतना अच्छा है कि मैंने दो एप्रन ले लिए। ऐसे मैं इसे पहन के करने वाली हूँ बुकिंग, जैसे कि मैं बहुत बुकिंग करने वाली हूँ। ओके, तो दूसरा एप्रन मैंने लिया ये सनी के लिए मैंने लिया है, और मैंने जानबूझ के वाइट कलर का नहीं लिया, येलो कलर का लिया। वाइट एंड ग्रे सनी को चाहिए था, बट येलो ठीक है ना, अगर कोई दाग लग जाए तो वो उसी के अंदर मर्ज हो जाए। तो मेरी सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैंने दोनों को फर्स्ट में कर लिया है। मेरी सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये कॉफ़ी मग। बहुत दिनों से यहाँ पर मैं चाय पीती हूँ तो ग्लास में पी रही हूँ, और वो भी स्टील के ग्लास में, क्योंकि जो चाय का कप होता है उसमें मुझे चाय कम लगती है। आई एम चाय लवर और मैं बहुत चाय पीती हूँ, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा चाय चाहिए होती है, तो मैं इसलिए लाई हूँ ये अपने लिए मग। तो सबसे पहले मैं इसे वॉश करके इसमें अपने लिए चाय लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिरयानी की तैयारी करनी है। उसके बाद मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेल फाइलर, जो कि मुझे यहाँ बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत दिन से नेल फाइलर ढूंढ रही थी, और यहाँ मुझे किसी भी अच्छे ये वाला नेल फाइलर नहीं मिल रहा था। ये बहुत कॉमन है, वेगा का आता है, और ये किसका है, नेल बफर, ये किसका है, ये नेल का है। दो लाइन एक्चुअली, ये मैंने खोल दिखाया और एक मैंने ऑलरेडी खोल दिया है। एक नेल बफर अपने बैग में रखूंगी और एक घर के किसी कोने में, और जो मेरे पास बाकी बहुत सारे हैं वो घर के किसी भी कोने में, क्योंकि मेरे नाम पर टूटते ही रहते हैं। वो है ये, जो कि पैरों के लिए होता है। तो ये भी मेरी एक बहुत काम की चीज़ थी जो मुझे आज मिल गई, बड़े दिन बाद मिली। पहले मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैं चाय पी हूँ। चाय मग था 130 रुपीज़ का, और ये 100 रुपीज़ का है, और वो जो मैंने दूसरा एप्रन दिखाया वो भी 100 रुपीज़ का है। ये सब मैंने स्टोर 99 से लिया है, और इस वक्त स्टोर 99 में बहुत ज़्यादा अच्छा सा फर्क है। कम से कम 6 प्याज होंगे, क्योंकि ये प्याज हमें पकाते वक्त भी डालने हैं, और फिर लास्ट में जो ऊपर से प्याज डालते हैं सूखे हुए, यही प्याज है। और ये चावल भिगा के रखा हुआ है, बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस, और ये मैंने जिंजर गार्लिक रखा हुआ है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, ये ऑप्शनल हैं, हमें खाने हैं इसलिए हमने डालने हैं। और ये मैंने मैरिनेट करके रखा था, तो अब ये फ्रीज हो रखा था ये थोड़ी देर बाद। तो मैंने कर दी है सारी तैयारी, और यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना धो के रखा हुआ है,
और अब सिर्फ मास्टर शेफ को आना है और अपना हाथ लगाना है, क्योंकि छोटे शेफ अपना काम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो आप ये एक केवड़ा वाटर रख सकते हो, उसे केवड़ा कहते हैं, केवड़ा कहते हैं, जो भी कहते हैं, पता नहीं। हमारा नया घर है तो नई सेटअप, इस वजह से अभी आ गए बॉटल्स और आई थिंक 1 लीटर से ज़्यादा ही है, ये अराउंड 1.1 सही। अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइए अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, मैं खा रही हूँ केक क्योंकि अभी टाइम लगेगा बिरयानी बनने में, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी पेट, और मास्टर शेफ को लगा मेरी तैयारी में कमी है तो मैं केक खाएं। तुम लड़की बन जाओ ना, मतलब ऐसे नहीं। मटन है इसलिए मैंने ये एक पूरा जो इसका कवर टाइप का है इतना जावित्री ले लिया है। उसके बाद ये है शाही जीरा जो कि ब्लैक से कलर का होता है, तो ये मैंने इतना ले लिया है, हाफ टी स्पून के बराबर। इसमें है जायफल और इसकी भी स्मेल बहुत ही यूनिक होती है, और इसमें तो आप ही ज़रूर इसको स्किप मत करना क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिरयानी में। बाद में ये डाल रही हूँ ये वाइट कलर की वाइट पेपर होता है, फिर ये 4 लौंग मैंने इसमें ऐड कर दिए, वाइट पेपर मैंने भी 4-5-6 ऐड करे हैं, इलायची मैंने 5 डाली हैं। तो ये हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, ये वाला जो हमने मसाला बनाया है ये डलेगा चावल पे, और अभी मैं फ्राई करने जा रही हूँ मटन को जो कि ये हमने बना के रखा है, और चावल भी चढ़ाने हैं, ये मैंने भिगा के रखे हुए थे काफ़ी देर से। और ये जो चावल के लिए बनाया था मैंने ये इस पे भी ऐड कर दिया, और इस पे भी एक तेज़पत्ता।
को भूलना भी जरूरी है, तो फिर ये सब अलग अलग रहेंगे चुपके चुपके। ये दो कटोरी चावल है, उस पर तीन कटोरी पानी है, तो जितना भी आप इस हिसाब से अपने चावल का कर सकते हो। और ये 70% पका हुआ है, अगर इसी में भी पूरा पकाना हो तो इसमें भी ये पूरा पक सकता है, लेकिन हमने जान के ये नहीं पकाया है। और नीचे भी ऑलमोस्ट सारा पानी ख़त्म हो गया है, अब ये ऐसा हो गया है। बॉटल्स दी थी जो मेरे को भी वार्डन ने लिया था, एक ये पूरा सेट। एक्चुअली हमने एक एक सिंगल सिंगल में भी ले लिया था पहले, लेकिन फिर भी हमने ये सेट ले लिया क्योंकि ये हमें काफ़ी अच्छा प्राइस में पड़ रहा था। ये सिर्फ 100 रुपये का है, ये सिर्फ 100 रुपये का था, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा मतलब जो भी है ये मुझे अच्छा लगा था, काफ़ी सस्ता पड़ रहा था मुझे। और मैं इसे पहले गर्म पानी में नमक डाल के भिगाऊंगी भी, क्योंकि अगर इसमें पॉलिश होगी तो वो निकल जाएगी, और अगर लकड़ी ख़राब होगी तो वो भी दिख जाएगा। हमने इसे कुकर में शिफ्ट कर लिया था, इस पर बहुत अच्छे से मसाला, इसको काफी देर तक हमने पकाया है क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पका होना चाहिए। क्या है मटन, और अभी इसमें बहुत सारा तेल आ रहा है, तो ये तेल नहीं है एक्चुअली, ये चर्बी है जो गल गई है। और ये हमारा चावल है, अगर आपका चावल ऐसे खड़े होकर ऊपर आ जाए तो आप ये मत सोचना कि ये सूख गया है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सारी लेयर नहीं बनाने वाले हैं, हम सिर्फ दो ही लेयर बनाने वाले हैं। तो सबसे नीचे हमारा मटन था और उसके ऊपर मैंने ये सब किया है, और उसके बाद सेकंड टाइम का मटन डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो हम तीन लेयर नहीं कर पाएंगे। और ये दूध बिल्कुल ऑप्शनल है, तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ।
ये हमने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि कोई एलर्जी हो जाएगी। अगर आपको दूध से एलर्जी है, फटे हुए दूध से या कुछ भी, तो आप मत करो। लेकिन ये आधा कटोरी दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये सारा हमने कर दिया है। अब हम इस पर पहले 5 सीटी लगा चुके थे क्योंकि ये मटन है, और अब हम इसे बंद कर रहे हैं। हम इस पर 1 सीटी लगाएंगे, लेकिन हमेशा 2 सीटी साथ में आ जाती है, तो 2 सीटी आप लेके चलो। इतना प्रेशर बन जाता है, ऑलरेडी बहुत गर्म है। इसको हम डबल गैस को, चूल्हे को डबल करके भी रख सकते हैं, जैसे कि इस वाले का जो ये है इसके ऊपर करके ऐसे डबल भी रख सकते हैं। बट ये मटन है, और हमारा मटन अच्छा खासा इसमें ग्रेवी है, तो ये नहीं जलने वाला है। अगर आपको लगता है आपका मटन बहुत सूखा है और जलेगा, तो आप इस वाले को इसके साथ ऊपर रख के लो फ्लेम में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं।